नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है ओमान वीजा के बारे में कि ओमान सुप्रीम कमेटी की जो मीटिंग हुई थी या अगली मीटिंग कब होगी या वीजा के बारे में, तो क्या कोई डिटेल ओमान सुप्रीम कमेटी ने इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, साथ ही वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करो ताकि ओमान से लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहे। तो भाई यहाँ पे बात करें, मैं इस वीडियो में ओनली ओनली नए वीजा के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि देखें तो ओमान में जो ओमान की सुप्रीम कमेटी ने अभी बहुत जल्दी उन्होंने मीटिंग किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो ओमान एंट्री है उसको तो ओपन किया जाएगा 1 सितंबर 2021 से। जिन लोगों के अगर जो इसमें अभी बहुत सारी डिटेल आना बाकी है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग किसी भी कंट्री में रहते हो, अगर जो ओमान से ताल्लुकात रखते हो, ओमान का वर्क वीजा है या फिर फैमिली वीजा है, तो ध्यान रखिएगा, आप पूरी तरह से अपने आप को वैक्सीनेशन कर लीजिए। जो ओमान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वैक्सीन है उसको लगवा लीजिए, फुल वैक्सीनेशन हो जाइए। क्योंकि क्या मालूम कब यहाँ पे 1 सितंबर को कहा गया ओपन होगा फ्लाइट, तो उसमें मतलब बहुत सारी कंट्रियों के लिए ओपन होगा। अभी ये डिटेल आना बाकी है, लेकिन वैक्सीन रह के आप अपने आप को रेडी रखो। अब बात करें यहाँ पे जो बहुत सारे लोग यही सवाल कर रहे हैं कि नया वीजा कब चालू होगा ओमान का, तो यहाँ पे बात करें कि ओमान सुप्रीम कमेटी के जो यहाँ पे मीटिंग हुई थी उसमें ये कोई भी अपडेट निकल के नहीं आ रही है भाई। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर हो गई या ओमान सुप्रीम, क्योंकि जब तक ओमान सुप्रीम कमेटी कोई आदेश नहीं देगी, डिसीजन नहीं लेगी न्यू वर्क वीजा के बारे में, जब तक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर भी कुछ नहीं कर सकती है ना। तो ओमान सुप्रीम कमेटी ने यहाँ पे बहुत सारे हर एक चीजों पे पब्लिक एंट्री के बारे में बताया, वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया, मॉल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, इन सभी चीजों में, लेकिन वीजा के बारे में भाई उन्होंने कोई भी अपडेट नहीं दिया, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में देखें तो ओमान में दिन ब दिन, अगर जो बात करें ओमान की स्थिति में, तो नाइट लॉकडाउन भी यहाँ पे खत्म कर दिया गया, यानी पहले की तरह स्थिति नॉर्मल चल रही है, कोई भी पाबंदियां नहीं, अभी देखे तो पाबंदी नहीं रह गया नाइट लॉकडाउन या लॉकडाउन को लेकर। हालांकि मास्क वाक्स ये तो अभी बहुत दिनों तक तो चलेगा, किसी भी कंट्री में रहे तो लाजिमी है मास्क लगाना तो अनिवार्य ही रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग ये सब रूल तो चल रहे हैं ओमान में। लेकिन और एक स्थिति देखे, दुकान हो गया, बिजनेस हो गया, हर एक चीज मतलब यहाँ पे नॉर्मल ही होता जा रहा है, जो कि काफी बेहतरीन है। तो कोई अपडेट आएगा, ध्यान रखिएगा, कोई भी अपडेट आएगा वीजा को लेकर, न्यू वर्क वीजा के बारे में, तो जरूर से जरूर आपके साथ शेयर किया जाएगा भाई, इससे पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग नए वीजा के इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो, या फिर बांग्लादेश, नेपाल या अदर कंट्री में रहते हैं, कि ओमान न्यू वर्क वीजा कब ओपन कर रहा है। तो इन सभी के जवाब ओमान सुप्रीम कमेटी जिस दिन डिसीजन लेगी आपके साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार।